हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री पीस प्रिंसेस कट की कटिंग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए मैंने ये ब्लाउज़ लिया है। ये हमारा कटोरी का ब्लाउज़ है, लेकिन हम इसका थ्री पीस प्रिंसेस कट के लिए हमने ये मेजरमेंट लेने के लिए हमने हम ये ब्लाउज़ लिया है। हम सिर्फ इसके ऊपर हम मेजरमेंट लेते हैं और थ्री पीस प्रिंसेस कट की हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज़ लिया है। पहले हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। ब्लाउज़ की पहले लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है हमारी 13.5 इंच। लंबाई को ब्लाउज़ को इस तरह से थोड़ा खींच के लंबाई लेनी है। तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच। यहाँ पे हमारा गला है 10 इंच। बैक साइड का जो गला है वो है 10 इंच। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। ये जो है ये हम चेस्ट का 1/4 ले लेते हैं। तो चेस्ट का 1/4 है हमारा 9.5 इंच। इस तरह से हमें लेना है। 9.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 आता है। इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमें शोल्डर जो है, शोल्डर से हमें गला नापना है। ये है हमारा 5.5 इंच। सीधा इस तरह से हमें ये गला लेना है। तो गला आता है हमारा 5.5 इंच। और शोल्डर और जो शोल्डर और गला का नाप जो होता है, ये हम 2.5 और 5.5 इंच लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हम शोल्डर का नाप लेंगे तो ये 11 इंच आता है। ये 11 इंच आता है। शोल्डर का हम हाफ ले लेते हैं और गला जो है ये हम 2.5 इंच पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थ्री पीस प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये इस तरह से, पहले हम फ्रंट साइड कट करेंगे। देखिए 13.5 हमारा गला है, सॉरी 13.5 हमारी लंबाई है। तो लंबाई हमारी 13.5 है, तो हम 14.5 इंच लेंगे, यानी कि 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। ये हमारी 9.5 इंच हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे गले का मार्किंग किया था और 5.5 इंच पे शोल्डर का मार्किंग किया था। यहाँ पे हमने गला लिया था और यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंच लिया है और यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे शोल्डर लिया था। यहाँ से हमने 6 इंच पे एक मार्किंग करके ये आर्मोल लिया है। इस तरह से हमने ये आर्मोल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट साइड की गोलाई कट करेंगे। ये जो है यहाँ पे हम फ्रंट साइड की गोलाई कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की गोलाई कट की है। अब यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको जॉइंट किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी है। यहाँ पे हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है। 1.5 इंच हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं। सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने एक निशान लगाया है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 1/4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और दूसरे साइड में 1/4 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। छोटा नाप होगा, जैसे 30 इंच का या 28 इंच का होगा, तो आप यहाँ से यहाँ दोनों साइड में आप एक एक इंच लोगे तो भी चलता है। लेकिन बड़ा ब्लाउज़ होने के कारण आपको यहाँ 1/4 इंच लेना है। इस तरह से हमें ये जो 2.5 इंच हमने सीधा लिया था, इसमें हमें ये 1/4 इंच का जो मार्किंग किया था इसको हमें जॉइंट करना है। अब ये जो 2.5 इंच का हमने मार्किंग किया है, इसको हमें सीधा आर्मोल में जॉइंट करना है।
इस तरह से हमें ये आर्म होल में ज्वाइंट करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जो राउंड शेप दिया है उसको हम कट करेंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी, ये जो फ्रंट साइड है उसको हम इस तरह से कट करेंगे। जो सवा सवा इंच हमने बढ़ाया था उसको हमने कट किया है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमने सवा सवा इंच सेंटर से सवा इंच इस साइड में और सेंटर से सवा इंच इस साइड में बढ़ाया था। अब क्या करेंगे, जैसे ये दोनों पार्ट जो है इसको हम अपोजिट साइड से सवा सवा इंच बढ़ाते हैं। जैसे इसका जो यहाँ पे हमने बढ़ाया था तो इसका यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इस साइड से सवा इंच बढ़ाएंगे। तो हम दूसरे पेपर पर इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने ये दूसरा पेपर लिया है, दूसरे पेपर पर हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ पे हम कोने से सवा इंच पे एक मार्किंग करेंगे। सवा इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने ये जो सवा इंच इस साइड से बढ़ाया था तो हम इस साइड से सवा इंच बढ़ाते हैं। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, हम ये क्रॉस में रखेंगे। क्रॉस में रखने के बाद हमने नीचे के साइड में ही सवा इंच बढ़ाया है और ये जैसा है वैसा ही पहले हम निकालते हैं। इस तरह से हमने इसका मार्किंग किया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर ही हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड का जो मार्किंग किया था उसको बढ़ा के इस तरह से ये पार्ट को हमने कट किया है। अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इस तरह से कट करेंगे। जैसे इस साइड से सवा इंच बढ़ाया था तो उसके अपोजिट साइड से हम सवा इंच बढ़ाएंगे। अब इसको कैसे करना है, इसे भी हमें इस तरह से क्रॉस में रखना है। हम पहले सवा इंच पे एक मार्किंग करेंगे। सवा इंच पे मार्किंग करने के बाद ये सवा इंच पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस में रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ ये जैसा है वैसा ही हम पहले निकालेंगे। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये सवा इंच इस एक साइड से इसको बढ़ाया है, जैसे अपोजिट साइड से हमने ये सवा इंच बढ़ाया है। इस तरह से मैंने ये थ्री पीस प्रिंसेस कट की कटिंग, यानी कि फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो मैंने आपको करके दिखाई है। बैक साइड जो है वो बैक साइड आपने जैसे 14 इंच हमने लिया था, 14 इंच हम लेंगे। 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करते हैं, 5.5 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करते हैं, 6 इंच पे हम आर्महोल का मार्किंग करेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के बैक साइड का जो आर्महोल की गोलाई होती है, फ्रंट साइड की हमने 1.5 इंच पे दी है तो बैक साइड की हम 2 इंच पे देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट साइड की आपको कटिंग करके दिखाई है। तो बैक साइड आप इस तरह से काट सकते हैं। और जो आर्म ये होता है क्या, स्लीव्स जो होती है, स्लीव्स की कटिंग भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाया है। तो आर्महोल को हमें इस तरह से क्रॉस में नापना है। यहाँ पे हमें आर्महोल को क्रॉस में नापना है। ये आता है हमारा 9.25 इंच। ये निकलती है हमारी बाजू की चौड़ाई। तो हम जितनी भी बाजू की लेंथ होगी, अब बाजू की लेंथ जितनी होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है और आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको सिर्फ फ्रंट साइड कैसे कट करते हैं, जैसे इसमें आपको डाउट्स होगा कुछ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको
सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करके आपको दिखाई है, तो इसके ऊपर आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे हमारी ये स्टिचिंग आती है फ्रंट साइड की जो होती है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो है ये हमारी क्रॉस पट्टी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।